तो राजस्थान सफरनामे का ये हमारा दूसरा दिन है और हम चल दिए हैं पुष्कर की ओर। पुष्कर एक ऐसा शहर जो कई कारणों से फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा कैमल फेयर पुष्कर में ही लगता है और इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का पूरे संसार में सिर्फ एक ही मंदिर है और वो है पुष्कर में। तो हमारे इस सफरनामे में हम घाट खाने का समय हो चला है और चूहे हमारे पेट में धमाल चौकड़ी मचाए हुए हैं। हम पहुंच गए हैं राधे जी रेस्टोरेंट पे और हमने ऑर्डर की है दाल बाटी। दैट्स राइट। तो अभी हम हैं राधे जी रेस्टोरेंट में और यहाँ की दाल बाटी काफी फेमस है, तो अभी हमने ऑर्डर करी है। लेट्स सी कि कैसा टेस्ट है इसका। तो ये आ गई हमारी दाल बाटी, चूरमा, पापड़, सैलेड और चटनी। और ये है लहसुन की चटनी जो कि मिलती है सिर्फ और सिर्फ राजस्थानी थाली में, वो भी दाल बाटी चूरमा के साथ। और साथ में है बटर मिल्क। ऑथेंटिक दही है भाई। बाटी अंदर से एकदम सिकी हुई, घी में डूबी हुई और दाल में डुबो के खाने का तो अलग ही मजा है। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, धमाकेदार। दाल बाटी के बाद बारी है इस चूरमे की। चूरमा देसी घी में लबालब बना हुआ है, एकदम नॉर्मल मीठा, खाके मजा आ गया। आप राधे जी रेस्टोरेंट जरूर आए, वराह घाट के बिल्कुल सामने मिलेगा आपको राधे जी रेस्टोरेंट और यहाँ की दाल बाटी चूरमा एकदम पर। जैसे ही हम डिनर करके बाहर निकले तो हमें ये बारात मिली है और इस बारात में पहली बार हम ये घोड़ी नाचते हुए देख रहे हैं। भाई मजा आ गया, पहली बार देखा है कि दूल्हे की घोड़ी डांस कर रही है भैया। और मौका मिला नहीं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी दीवाने हो गए और दीवाने अब्दुल्ला जी डांस करने के बाद सीधे पहुंच गए सरवाड़ी मिष्ठान भंडार मालपुआ खाने के लिए। राजस्थान आए और आपने मालपुआ नहीं खाया मीठे में, तो आपने गंगोर पाप किया है। अभी हम आए हैं सरवाड़ी या मिष्ठान भंडार जो कि विरा गेट से थोड़ा सा ही पास में है, 100 मीटर की दूरी पे होगा। और आपको वहां पर मिल जाएगा स्पेशल पुष्कर का रबड़ी मालपुआ। रबड़ी मालपुआ जो है वो बहुत कम जगह पे मिलता है इंडिया में, और पुष्कर उसमें से एक जगह है जहाँ पर आपको रबड़ी मालपुआ मिलेगा, गरम गरम है बिल्कुल। तो अभी हम टेस्ट करते हैं कि कैसा है। नॉर्मल मालपुआ से बिल्कुल अलग टेस्ट है, क्योंकि ये बना है, इसकी जो स्टफिंग है वो है रबड़ी की। जो कॉस्ट है इसकी वो है 440 रुपए किलो, और अगर आपको ऐसे अगर 2 पीस लेने हैं तो वो है 50 रुपए के 2 पीस। तो सुबह सुबह उठकर हम लोगों ने स्नान किया और निकल आए हैं ब्रह्मा मंदिर की तरफ, क्योंकि हम भगवान ब्रह्मा के प्रथम दर्शन करना चाहते हैं। सुबह के बज गए हैं 5:30 और इतना आध्यात्मिक माहौल रखा है, और हम लोग अभी जा रहे हैं मंगल आरती अटेंड करने जो कि होती है सर्दियों में सुबह के 6 बजे। ब्रह्मा जी की आरती अटेंड करने के बाद और उनके दर्शन करने के बाद अब बारी थी सर्दी को भगाने की, तो हमने लपक ली ये गर्मा गर्म चाय। और जैसे जैसे सूर्य देवता की किरणें पुष्कर पर पड़ती जा रही थी, सभी गैस चूल्हे हलवाई अपना अपना काम शुरू कर चुके थे। तो ये है पुष्कर चाट भंडार या मोहन जी भुजिया वाले, जो पुष्कर में अपनी चटपटी चाट और कड़ी पकौड़े के लिए बहुत फेमस है। ये सुबह 6 बजे से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और फिर सुबह 8 बजे से इनके यहाँ लगता है लोगों का जमावड़ा। तो अभी हम मोहन जी भुजिया वाले को करने देते हैं उनकी प्रिपरेशन और चल के बैठते हैं घाट के किनारे। घाट पर बैठने के बाद अब हम लोग आ गए हैं पेट पूजा करने के लिए, और जो हमारा पहला स्टॉप है वो है ये ब्रेकफास्ट कॉर्नर, यानी कि पुष्कर ब्रेकफास्ट कॉर्नर। और यहाँ पर मशहूर है ये पोहा और पोहा पकवान। तो हमने जो ऑर्डर किया है वो किया है पोहा पकवान। तो चलो आपको पोहा पकवान दिखाते हैं, पिज्जा पोहा की स्टाइल में है पूरा का पूरा। ए
और ये पोहा पकवान बनना शुरू हो गया है, पिज्जा पकवान है। ये बेस क्या लगाया भैया? दाल पकवान का ये फ्राइड चपाती है। फ्राइड चपाती और उसके ऊपर पोहा, और पोहे के ऊपर ये गई दाल। अरे वाह भैया, धुआं उठ रहा है, मजा ही आ गया देख के। वेरी नाइस। दाल की पूरी कोटिंग करते हुए भैया हमारे पिज्जा पकवान के ऊपर। और ये सेव की, सेव, और ये प्याज की एक और लेयर, और ये तरह तरह की रंग भर दिए भैया ने इसके अंदर। और अब लगेगी इसके ऊपर मजेदार हरी चटनी, पुदीने की चटनी है भैया, पुदीने की हरी चटनी, ये स्वीट चटनी, और ये मिक्स नमकीन, और ये गार्निशिंग विद कोरिएंडर। अरे वाह, ये नींबू की धारा, और ये अनार। अरे वाह भैया, अनार भी डल रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये तैयार हो गया हमारा पिज्जा पकवान। अच्छा, ये आप ही की? अच्छा, आपने इन्वेंट की है? ये है आर्ट, और इस आर्ट के ये आर्टिस्ट भी, शक्ल दिखा दो एक बार। अरे वाह, जबरदस्त। और टाइमिंग है भैया आपके यहाँ पे? सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाते हैं आप? अरे बहुत बढ़िया। पिज्जा पकवान की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपए, और अगर आपको सिर्फ पोहा खाना है तो उसकी कॉस्ट है 20 रुपए। तो अब हम खाते हैं पिज्जा स्टाइल में पिज्जा पकवान। पहली बार खा रही हूँ भाई मैं, एक ही साथ 3 टेस्ट आ रहे हैं, दाल के, पोहा के, और जो इसके नीचे बेस थी पकवान की। अगर आप पुष्कर में आए तो यहाँ आपका आना बनता है बॉस, बहुत ज्यादा टेस्ट। हमें ये पिज्जा पकवान इतना पसंद आया कि इसके ऊपर हमने एक अलग से व्लॉग बना डाला। अगर आपको वो व्लॉग देखना है जाके, तो लिंक नजर आ रहा होगा, प्लीज क्लिक कर लीजिए, जाकर मजे कीजिए। यहाँ के जो टाइमिंग थे वो थे सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप खा सकते हैं पकवान, पोहा या फिर दाल पकवान, आपको अगर वो पसंद है तो। और हमारी अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए हम निकल चुके हैं, जो कि है पुष्कर चाट भंडार। वहाँ पर कड़ी पकौड़ा और मिर्ची वड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमारा नेक्स्ट अटैक इज पुष्कर चाट भंडार। भैया एक पत्तल कड़ी पकौड़ी दे दीजिएगा। हमारा जो सेकंड स्टॉप है वो है मोहन जी भुजिया वाले। हम वहाँ पर पहुँच गए और हमने ऑर्डर करी है कड़ी और पकौड़ी। यहाँ पर राजस्थान में जो कड़ी बनती है वो दही की कड़ी नहीं होती, वो सिर्फ बेसन और पानी की कड़ी है, और टेस्ट में काफी अच्छी है। और ये पकौड़ी भी है, ये पालक की पकौड़ी है। यहाँ पर इन्होंने कैटेगोरिकली लिखा है कि शुद्ध मूंगफली के तेल से खाना बनाया जाता है, और इसकी कॉस्ट है 20 रुपए। भाई की दुकान पे काफी ज्यादा ही भीड़ लगी हुई है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि भाई की क्वालिटी और टेस्ट काफी सही है, क्योंकि ये सारे लोग लोकलाइट्स हैं। खाने पीने के अलावा पुष्कर में आपको और भी चीजें करने को मिल जाएंगी। आप थार डेजर्ट घूम सकते हैं, और उसके अलावा पुष्कर में आके आप ट्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो एक बहुत छोटा सा एक हाइट पे है मंदिर, जिसको बोलते हैं सावित्री मंदिर, जो कि ब्रह्मा जी की फर्स्ट वाइफ का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि सावित्री जी जो थी वो ब्रह्मा जी की फर्स्ट वाइफ थी। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप ट्रैक करके जा सकते हैं, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पर केबल कार से भी जा सकते हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास। तो अभी हम यहाँ पर जस्ट पहुँचे ही हैं, तो विल सी कि हम कौन सा वाला तरीका अपना रहे हैं, ट्रैक करके या फिर केबल कार से। ये आप जो पहाड़ी देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ये मंदिर है, यही है वो सावित्री जी का मंदिर। तो इतनी ऊंचा चढ़ने के लिए वही कह रही थी मैं आपको कि या तो आप ट्रैक कर ले या फिर आप केबल कार यूज कर ले। समय की परिकाष्ठा को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हम ट्रैक करके नहीं जाएंगे, तो चलिए फिर आपको लेकर चलते हैं उड़न खटोले में। तो अब हम ट्रैक करके तो नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं रोपवे से, और रोपवे की कॉस्ट है 150 रुपया पर पर्सन अप एंड डाउन। और मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, पता है, जब भी मैं ऐसे रोपवे पे बैठती हूँ। और जे चल पड़ी, और सावित्री माता मंदिर से पुष्कर का व्यू कुछ ऐसा नजर आता है। ये बीच में ब्रह्मताल और आसपास पूरा पुष्कर शहर बसा हुआ, और ये हमारी रोपवे टका टक चलती जाती हुई।
ये है स्टेयर्स का रास्ता। अगर आपका ट्रैक करने का मन है तो आप ये देखिए, नीचे तक सारी सीढ़ियां नजर आ रही हैं। ये आपका अच्छा खासा ट्रैक हो सकता है। सावित्री माता मंदिर में दर्शन करने के बाद और दौड़ते भागते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं पुष्कर मार्केट में। और पुष्कर में चटाकेदार स्ट्रीट फूड के अलावा ये चूरन, आम पापड़, टॉफियां, ये सब भी बहुत फेमस है। तो आपको ऐसे स्टॉल जगह जगह दिख जाएंगे। गो एंड ग्राब सम। जब आप ब्रह्मा मंदिर से थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे तो आपको ये एक साबुदाना की दुकान आपको दिखेगी और हमने करा है साबुदाना पापड़ी चाट। इस करारी साबुदाने की टिक्की को अपने हाथों से तोड़कर उस पे दही, चटनी, सौंठ, इनकी परतें जमाने के बाद और ये प्यारी सी सेव के साथ गार्निश करने के बाद भैया ने क्या ही आतंक बना के दिया यार। काफी करारा करारा टेस्ट है। अगर आपका कचौड़ी वगैरह खाने का मन ना हो तो आप ये लाइट साबुदाना खिचड़ी या फिर साबुदाना चाट जैसे हमने बनवाई है आप वो बनवा सकते हैं और इसकी कॉस्ट है 50 रुपए। पुष्कर की इन सजी धजी गलियों में घूमने के बाद अब इच्छा थी कुछ ठंडा और मीठा पीने की। तो अब हम आए हैं पुष्कर की स्पेशल गुलकंद वाली लस्सी पीने और अभी हम खड़े हैं ब्रह्मा घाट से थोड़ा सा ही दूरी पे है शंभू लस्सी कॉर्नर और मेरे साथ ही है शंभू भैया। भैया कितनी पुरानी दुकान है? ओ, तो बहुत पुरानी है मेरी, दादाजी के टाइम की, अभी मैं बेच रहा हूं लस्सी। अच्छा, कहां से? दिल्ली से। सुनिए दिल्ली वाले, हर दिन के बाद हर रात आती है, हर गम के बाद एक बरसात आती है, और दिल्ली वाले बहन और भाई आप नहीं आते हो तो आपकी बहुत याद आती है। अरे वेलकम टू इन पुष्कर, चीप एंड बेस्ट इन वेरी गुड टेस्ट, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू हैप्पी आई एम हैप्पी। ये हमारी लस्सी बननी चालू हो गई है, गुलकंद लस्सी, गुलकंद रबड़ी, गुलकंद रबड़ी। अरे वाह, ये ग्लास के ऊपर लग गया थोड़ा सा गुलकंद, अलग से रबड़ी भी डलेगी भैया। अरे वाह, और ये आ गई रबड़ी और ये तैयार हो गई हमारी गुलकंद रबड़ी वाली लस्सी। खींच लो। कॉस्ट है वो है 50 रुपए, नॉर्मल की है 40, गुलकंद वाले की है 50। यार लस्सी तो सही में आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसी इतनी अच्छी शानदार लस्सी पुष्कर में मैंने पहली बार पी है। पुष्कर में क्या मतलब, मैंने बहुत कम जगह में ऐसी इतनी टेस्टी लस्सी पी है, उसमें से अब एक और जगह ऐड होगी वो है पुष्कर। पुष्कर में गुलाब की खेती होती है तो आप जब भी पुष्कर आएंगे तो आपको जगह जगह गुलकंद के स्टॉल्स, गुलाब जल, गुलाब के इत्र आपको जरूर मिलेंगे। तो अगर आपको घर लेकर जाना हो तो आप लेके जा सकते हैं। भैया ये मुझे बताइए ये कितने का पैकेट है? 140 रुपए। और ये कितने ग्राम है? 500 ग्राम का है। 500 ग्राम है, अच्छा तो ये भी तो है पैकेट, ये कितने का है? ये 70 रुपए। तो फर्क क्या है दोनों में, एक डब्बी में और एक नॉर्मल है? ये चीनी से बना हुआ है। ये चीनी से बना है, गुलाब के फूलों से बना हुआ है। और ये वाला इसमें मिश्री इलायची ड्राई फ्रूट युक्त सारा आएगा इसमें। अच्छा हाँ, इलायची एवं मिश्री युक्त गुलकंद है। तो ठीक, मैं तो घर पे ये लेकर जा रही हूँ क्योंकि ये मेडिसिन का भी काम करता है। ऐसा बोलते हैं जैसे वाइन जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है, वैसा ही गुलकंद जितना पुराना हो उतना बढ़िया होता है। पुष्कर की इन तंग और व्यस्त गलियां दिखाने के बाद अब आपको लेकर चलते हैं हमारे BNB की ओर। और ये देखो हीरोइन साहिबा मजे लेती हुई इस झूले के। तो जिस जगह हम रुके हैं भाई साहब, एक्चुअल में ये एक पुरानी हवेली है। ये हवेली का वरांडा देखो आप, ये जगह जगह इन्होंने रूम बना रखे हैं, काफी सारे रूम है यहाँ पे और काफी रेंज में यहाँ पर होटल्स के रूम है। अगर आपको छोटा रूम चाहिए तो उसकी रेंज है अप्रोक्सीमेटली 500 और अगर आपको बड़ा चाहिए तो इट कैन एक्सटेंड अप टू 1000 और 1500। हमने तो वो छोटा वाला रूम ही लिया था, मगर बहुत सुंदर साफ सुथरा घर है क्योंकि जो ओनर है वो भी इस पूरी हवेली में ही रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली के साथ वो यहीं रहते हैं। इनके एक्चुअली 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो तीनों फ्लोर में इन्होंने रूम है और इनका रूफ टॉप कैफेटेरिया तो भाई ऑसम है, चलो वहां चलते हैं। और ये है इनका रेस्टोरेंट और आप ये देखो भाई साहब, रूफ टॉप कैफे बना रखा है भाई ने, जबरदस्त फ्लोरिंग, पूरा बैठने लेटने का जुगाड़। और ये सामने है इनका रेस्टोरेंट, एक बार फटाफट से आपको रेस्टोरेंट भी दिखा देते हैं। ये है इनका रेस्टोरेंट, ये भी काफी सही इंटीरियर है, नाइस प्रॉपर्टी। हवेली दर्शन के बाद आपको फिर से लेकर चलते हैं पुष्कर दर्शन पे और आपको पुष्कर में अक्सर ही इजरायली जरूर नजर आएंगे और यही लेकर आए हैं फलाफल।
एंड नाउ आवर नेक्स्ट डिश इज फलाफल। अगर आप पुष्कर आए हैं और इजरायली फलाफल ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। जिंदगी का मैंने और अरुण ने फर्स्ट फलाफल भी पुष्कर में ही खाया था। उस टाइम पे हम व्लॉग नहीं करते थे, नहीं तो आपको वो भी इन्फॉर्मेशन देते। अभी हम बैठे हैं गंगा रेस्टोरेंट में, जो कि विराह घाट से थोड़ा सा ही दूरी पे है, मतलब 100 मीटर की दूरी पे होगा। आपको दिख जाएगा गंगा रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपको बहुत सारे फलाफल या फिर लाफा, वो भी आपको यहाँ पर वैरायटी मिलेगी। तो अपने मशीन नुमा हाथों से उस ब्रेड के ऊपर सॉसेस लगाने के बाद टोमेटो, फलाफल, फिंगर चिप्स, चीज, पनीर, वेजिटेबल, सॉसेस, इन सब की बारिश करने के बाद भैया ने हमारे इस रैप को किया रैप और पटक दिया तवे के ऊपर। इतने सारे फलाफल की वैरायटी से हमने चूज करा है तंदूरी फलाफल। बहुत ज्यादा टेस्टी है एक्चुअली इसका टेस्ट, और जो हमने इजिप्ट में फलाफल खाया था उससे काफी डिफरेंट है। ये इंडियन वर्जन है फलाफल का। तो भाई फलाफल का पंजाबी वर्जन खाके, इंडियन पंजाबी वर्जन खाके मजा आ गया, जिसकी कीमत थी 150 रुपए। और अब हम जा रहे हैं हमारे अगले खाने की हंट में, तो चलो हमारे साथ। इस टाइम गलियों में रौनक एक नंबर हो रखी है। अभी हम खड़े हैं पुष्कर की मेन मार्केट में, बिल्कुल ही गऊ घाट के सामने। और कल हमने एक ट्राई करा था मालपुआ, जो कि था सरवाड़िया चाट, सरवाड़िया मिष्ठान भंडार से। और आज जस्ट उसके ऑपोजिट एक दुकान है, राम जी की दुकान। तो हमने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं, और हमने लिया है रबड़ी मालपुआ। इसकी कॉस्ट है 20 रुपीज पर पीस। अच्छा यार, मतलब वो वाला भी अच्छा था, ये वाला भी अच्छा है। दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों रबड़ी मालपुआ है, नॉर्मल हमारे दिल्ली वाले मालपुआ जैसे नहीं है। तो आप मालपुआ यहाँ मार्केट में से कहीं से भी खा सकते हो। एक पीस ये दे देना भैया, गोंद का लड्डू। गोंद का लड्डू क्या रेट है इसका? 700 रुपए किलो, देसी की तरह। अच्छा, बहुत जबरदस्त टेस्ट है, मजा आ गया एकदम। ड्राई फ्रूट भी ऐसे आ रहे भर भर के मुंह में, बहुत बढ़िया यार, मजेदार। अपने टेस्ट बर्ड्स को बैलेंस करने के लिए हमारा मीठा और नमकीन का चक्र चालू है। अब आप खिला देना पुदीना। तो पुष्कर में अगर आप आए हैं तो ये 6 फ्लेवर वाले गोलगप्पों को आप नहीं मिस कर सकते। ये भी एक हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है, कहीं से भी खा लो, बॉस बहुत टेस्टी टेस्टी है। 20 के 6 है, और अभी मैंने लिया है पुदीना फ्लेवर। अच्छा था। तो देव नारायण भैया के गोलगप्पे खाने के बाद और उन्हें अलविदा बोलने के बाद हम पहुंच जाते हैं डिनर के लिए। बारी है डिनर करने की, और डिनर में हम आ गए हैं लाला परांठा की दुकान पे, और इनके परांठे भी आपको दिखाते हैं। आप देख के आपके मुंह में पानी ना आ जाए तो नाम बदल देना। और ये आ गए गिरिराज धरण में तेरी शरण में लाला परांठा वाला। इट वैरायटी ऑफ देखो परांठे की, आप आलू, आलू चीज, पनीर चीज, चीज मशरूम, और ये कोई फटाखा परांठा भी है। ये देखो आप वैरायटी देखो आप। भैया फटाका परांठा में क्या डालते हो? मतलब सब कुछ है, आप जो मांगोगे वो मिलेगा फटाका परांठा में। तो हमने अभी ऑर्डर करा है एक फटाका परांठा, और अभी दिखाते भैया ने इतनी बड़ी तो लोई ली है। ये भैया ने बना के दे दिया है पराठा, पिज्जा पराठा। इतने सारे पीसेस हो गए, ये तो लग रहा है कि खाया जाएगा। दोनों के बस की नहीं होगा ये खाना। कोशिश करते हैं और कोशिश, और बोलते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसका जो रेट है वो है 200 रुपए। भैया ने बनाया शुद्ध देसी घी में, और इसके साथ दिया हमें ये चटनी और ये है दही। और जो बोलते बोलते तुम्हारे मुंह में पानी आया है वो मुझे साफ सुनाई दिया है। सही यार, भैया ने जो चीज डाला था ना, देखो अब आप खुद अंदाजा लगाओ जहां पर इतना सारा चीज होगा वो चीज टेस्टी बनेगी नहीं बनेगी। वाह, तो वर्ड भी हो गया। हाँ वाह, भैया का पिज्जा पराठा इतनी भारी चीज हो गई,
कि उसमें इतना चीज है कि हम दोनों मिलके इस चीज को खत्म नहीं कर पा रहे, टू मच ऑफ चीज। पर टेस्ट में नंबर वन, मजा आ गया खा के, ऐसा पिज्जा पराठा स्टाइल एकदम फर्स्ट क्लास। तो पुष्कर के इस इनसेन फूड टूर के बाद जो जो हमने माल खाया उसको उतारने के लिए एक जबरदस्त चीज की जरूरत है, और वो ये है गर्मा गर्म दूध का कुल्हड़। तो इसकी सिप के साथ इस इनसेन फूड ब्लॉग को यहाँ करते हैं खत्म, और आपसे मुलाकात करेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, दिस इज वेजी वॉन्डर साइनिंग ऑफ, सी यू अराउंड।